Hey guys, तो वेलकम बैक टू माय चैनल हिनास टॉक। काफ़ी दिनों महीनों बाद आज फिर से एक व्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हम कश्मीर में आए हैं और यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी खुद की शॉप होती है, उनमें से एक शॉप है नूर कंपनी। सो यहाँ पर हम आए हैं और उनके साथ बात करेंगे, देखेंगे कि ये सब कैसे रहता है, क्या रहता है, केसर किस तरह से रहता है, कितनी टाइप की बेरीज आती है, केसर कावा रहता है, तो वो सब कुछ। तो आइए अंदर देखते हैं कि कैसे सब कुछ रहता है। कश्मीरी कहवा बोलते हैं इसको, मतलब इधर का वेलकम टी बोलते हैं उसको। जैसे लगती से इसमें बराबर 11 मसाले रहते हैं, दालचीनी, इलायची, मतलब लेमन स्पाइसेस। कश्मीरी मीन्स कहवा मीन्स कश्मीरी लैंग्वेज कहवा, कहवा मीन्स 11। ये 11 मसाले का चाय बना होता है और ये जिसमें कलर है ना वो खाली केसर के, मतलब केसर का डाल के बाद उसमें कलर आ जाता है। सर्दी खांसी जुकाम होता है ना तो सब दिया जाता है। एक्चुअली इसको कश्मीरी में ना वेलकम टी बोलते हैं। ओके, हाँ ये हमारी ट्रेडिशनल टी है। सो दिस इज वेलकम ड्रिंक और वेलकम टी, व्हाट एवर लाइक यू गाइस टेल। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हर्बल टी की टाइप, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है केसर का, और वो हनी जो शहद का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है उसमें। और आप जो कलर देख रहे हो वो कलर जो आ रहा है वो सेफ्रॉन का कलर है, आप देख सकते हो। ये कहवा, कश्मीरी कहवा। और ये आपकी शॉप जो है वो कितने साल पुरानी है? ये मैडम मान लो 5 से 8 साल पुरानी शॉप है। अच्छा। हमारे पास एक्चुअली क्या ना बहुत सारे शॉप से अभी फैमिली बिजनेस से अभी डिवाइड हो गए हैं, तो अभी नए नए ब्रांच खुल रहे हैं। ओके, बट आपकी कंपनी ब्रांच नहीं है, लेकिन ब्रांच नहीं है, जो बिजनेस है वो खानदानी बिजनेस है। काफी हम लोग फार्मर से बचपन से, मतलब जो हमारा ये एरिया है ना, हमको घर से निकलता है केसर, बदाम और यहाँ के अखरोट निकलता है। सबसे ये तीन चीज हमको अपने घर से निकलता है, बाकी जो जो भी प्रोडक्ट है यहाँ भी लोकल है, लेकिन हम लोग फार्मर से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, उनसे बाकी जिनके पास क्वान्टिटी कम कर निकलता है उनसे कलेक्ट हो जाता है। तो ये प्योर है? 100% कोई मिलावट नहीं। शेफ्रॉन की ये मामरा बादाम और ये जो वॉलनट्स है उसका फार्मिंग आप खुद करते हैं? हाँ, ये केसर मामरा बादाम ये सब ये मामरा, ये छोटी वाली जो आती है। एग्जैक्टली, मामरा मतलब मीन्स इसके अंदर ऑयल होना है, ये कश्मीरी बादाम है। अच्छा। ये आपको यहाँ का लोकल मिल जाएगा। ये बादाम काफी अलग आती है और इसके बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा है, ब्रेन पावर के लिए ये अच्छी रहती है। मामरा बादाम का जो पहचान है ना, ममरा बादाम का पहचान है ये ऑयल निकलता है। ये मतलब आईसाइट के लिए बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये ममरा मींस एक्चुअली मेमोरी, ये दिमाग के लिए खाया जाता है। सो ये प्रूफ है कि ये असली वाला, ये वाला असली है। हर एक बादाम, जिस बादाम के अंदर ऑयल निकलेगा ना, समझ लेना वो ओरिजिनल ममरा बादाम है। मुंह में डालो और उसको बाइट करो, ठीक है? अगर आपको बाइट करने में ये इसका टेस्ट स्वीट लग गया तो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, ठीक है? और इसमें आपको टेस्ट में ना थोड़ा बिटर लगना चाहिए, हल्का कड़वा, वो एक ओरिजिनलिटी है केसर की। और दूसरी बात क्या है, केसर खुद रेड है लेकिन कलर येलो छोड़ता है, ये जैसा जैसा कहवा में आया ना बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा। और दूसरी बात क्या है, केसर पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ओरिजिनल केसर पानी में डिजॉल्व नहीं रहता, हमेशा ऐसा ही रहेगा लेकिन कलर छोड़ता जाएगा यहाँ। और ओरिजिनल केसर कभी खराब नहीं होता, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि मतलब कश्मीर से हम लोग केसर मंगाते हैं,
पहली बार हम लोग आए, लेकिन मंगाते हैं ना तो जैसे ये एक दो लेके फिर ऐसे करके हम डालते हैं ना तो पूरा पानी लाल कर देता है, तो वो डुप्लीकेट है। लाल नहीं होता है, येलो होता है। हाँ, अगर लाल हो गया तो वो ओरिजिनल, वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में ओरिजिनल केसर नहीं। केसर का मतलब ये मतलब बेस्ट क्वालिटी है, क्या बोलेंगे इसको, कि केसर खुद रहते हैं लेकिन कलर येलो छोड़ते, ये इसकी खासियत है। मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली में। हर्षल, यू शुड ट्राई एंड बाइट, इट्स बिटर और स्वीटर। लेट मी एंजॉय द कश्मीरी कावा। एक्चुअली में ना क्या होता है, ये होता है केसर, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है केसर का, मतलब हर एक फूल में ऐसा ही केसर निकलता है। ये रॉ मटेरियल है जी, वो दिख रहे हैं ना, वो दीवार पे फूल लगा के है। एक फूल में तीन पत्ती केसर निकलते हैं, बस मतलब लाइक दिस, हर एक फूल में इतना मतलब तीन पत्ती होता है, बाद में हम उसको काटते हैं खाली केसर होता ही है, एक फूल में तीन पीस निकलता है, और ऐसा तीन पीस निकलता है। हाँ, ऐसा तीन पीस निकलता है, ये डंडी वाला जो ना येलो कलर वाला, ये एक्चुअल भी है। हाँ, बराबर ऐसा रहता है, एक फूल में ऐसा निकलता है, ये खाली एक दो और इधर तीन, ये कट गए, ये बाद में पान सुपारी में यूज होता है, रजनीगंधा वगैरह लोग खाते हैं ना। हाँ, हाँ। उसमें यूज होता है ये वाला। ओके, तो ये सब होता है वो खाली केसर रहता है, आगे वाला इसको बोलते हैं मोंगरा। ઓરિજિનાલિટી કઈ રીતે ચેક કરવી, આવ્યા છો તો ચેક કરી લે, તો આ કેસરના બે ત્રણ તાંતણા લીધા છે, નાઉ આઈ વિલ જસ્ટ ટ્રાય ઇટ, લેટ્સ સી। ये स्वीट नहीं लगता है, अगर हल्का सा बिटर, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए भाई, ऑनेस्टी दूंगा मेरे को खुद को भी लेना है, डुप्लीकेट होगा मैं भी लूंगा। स्वीट तो बिल्कुल नहीं है, इतना स्वीट मतलब हनी वाला जो हवा पिया है ना उसके बाद भी थोड़ा इसका टेस्ट काफी अलग सा लग रहा है। अगर ऐसे ही आप ट्राई करोगे तो आपको बिटर लगेगा, ये हल्का सा बिटर तो लग ही रहा है मेरे को पूरा जब खा लिया ना। ठीक है, अच्छा कावा पीने के बाद भी थोड़ा बिटर लग रहा है, इसको ले लो नहीं तो पूरा ऐसे ही खा जाओगे। आई थिंक ये मेरा वाला है। हाँ, आप तो नहीं पीते ना, मैं ही पहले पी लो बाद में जी ले लेना।